और अब आगे बढ़ते हैं दिल्ली से। इस वक्त एक बड़ी जानकारी, दिल्ली में नीति आयोग की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे, आज उस बैठक में शामिल होंगे। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में मौजूद है, बैठक में शिरकत करेंगे। राज्यों के विकास के रोडमैप पर मंथन किया जाना है और इसी वजह से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। नीति आयोग की यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। सभी राज्यों के सीएम इसमें शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली में ही मौजूद है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी मौजूदगी दिल्ली में भी, और दोनों ही सीएम नीति आयोग की इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज से ओम माथुर छत्तीसगढ़ दौरे पर, 4 दिनों तक बस्तर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। 28 मई को सुकमा में मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। जगदलपुर की बात की जाए तो यहां पर भी विधानसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। 29 मई को नारायणपुर पहुंचेंगे ओम माथुर, यहां पर भी बैठक का आयोजन। 30 मई को बीजापुर और दंतेवाड़ा के दौरे पर आएंगे और 31 मई को कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ का दौरा करने वाले हैं। यानी कि बेहद महत्वपूर्ण दौरा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति की जब हम बात करते हैं। ओम माथुर और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता लगातार चुनावी संभावनाएं खोजते हुए और बस्तर को लेकर लगातार फोकस कर रही हैं दोनों पार्टियां, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लगातार सम्मेलन का आयोजन, बैठकों का आयोजन देखने को मिल रहा है और अब बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का दौरा, बस्तर पर इस बार फोकस। अलग अलग जिलों में बैठक लेने वाले हैं 29 मई से लेकर 31 मई को लेकर, ये जानकारी। 28 मई को भी एक बैठक का आयोजन है, यानी कि सिलसिलेवार हर जिले की बैठक लेंगे। जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्टी को और सशक्त करने की जरूरत बस्तर जैसे क्षेत्र में है, या कितना फायदा विधानसभा चुनाव के दौरान उस पार्टी को हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश। ऐसे ही मिथिलेश इस पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, ओम माथुर आ रहे हैं आज छत्तीसगढ़, 4 दिनों तक सिलसिलेवार बैठक लेंगे, बस्तर पर भी फोकस कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी से लेकर अभी तक? निश्चित रूप से आज ओम माथुर का दौरा आज से छत्तीसगढ़ में रहेगा, जिसके तहत में वे बस्तर संभाग को फोकस करेंगे और बस्तर संभाग में वे धुआंधार कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिले के अधिकारियों की पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। और इस तरह से आज से लेकर आगामी 31 तारीख तक इनका ये दौरा रहेगा, जिसके दौरान वे कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आगामी समय में जो है विधानसभा चुनाव है, और पिछले बार के यदि चुनाव की बात किया जाए तो भाजपा को यहाँ पर परास्त मिली थी, कई जगह से वे चुनाव हार गए थे। तो यही वजह है कि अब जो है फोकस जो है बस्तर क्षेत्र को ही किया जा रहा है। प्रभारी दौरे पर आ रहे हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, वहां पर किस तरह से कार्य होने थे, किस तरह से नहीं होने थे, ये तमाम जो है सरकार की विफलताओं को भी वो सामने रखेंगे और इसी को आधार बनाकर वे आम जनता के बीच में पहुंचेंगे, ताकि जो आने वाला समय जो चुनाव का समय है उसको भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके। तो इस तरह से लगातार वे दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव में जो बस्तर जो पिछड़ गए थे उसको जीत सके। बिल्कुल, देखना होगा आगे किस तरह की रणनीति सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश उस पूरी जानकारी के लिए। दुर्ग से ही अगली बड़ी खबर है, जहां घर में भीषण आग लगी है, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, लेकिन आग लगने की वजह से भीषण स्थिति यहां पर बनी, अफरा तफरी का माहौल बना। घर में चूंकि आग लगी थी, इसलिए बहुत जरूरी था, प्राथमिकता इसी ओर थी कि लोगों को बाहर निकाला जा सके। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची है और आग बुझाने की मशक्कत में जुटी रही। आग किस वजह से लगी इस बारे में अभी तक जानकारी साझा नहीं की गई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जांच का विषय ये सब कि किस वजह से ये दुर्घटना हुई। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की आशंका। ये तस्वीरें भी आप देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घर में लगी आग पर काबू पाया है। घर में रह रहे सभी लोग सुरक्षित हैं, जनहानि की कोई सूचना नहीं, लेकिन सामान जरूर जलकर राख हो चुका है। दमकल की टीम लगातार कड़ी मशक्कत कर रही थी आग पर काबू पाने के लिए, और काफी कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, क्योंकि पूरे घर को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। मोहन नगर थाना क्षेत्र का मामला है, लेकिन किस वजह से आग लगी अभी वजह का खुलासा नहीं हो पाया है।
ये तफ्तीश का विषय और सबसे बड़ी राहत भरी बात यही कि किसी तरह की जनहानि की सूचना सामने नहीं आई है। और अब खबर नर्मदापुरम से है, जहां किन्नरों के दो पक्षों में मारपीट हो गई है। दरअसल ये मारपीट क्षेत्राधिकार को लेकर हुई थी और यहां बधाई मांगने के क्षेत्र को लेकर विवाद शुरू हुआ। फिर एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पे घुसकर मारपीट करने के लिए पहुंच गया। घटना घर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, मामला 22 मई का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के मुताबिक मामले को लेकर अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, शिकायत आने पर ही कार्रवाई की जाएगी। सर वो लोग आए थे सर यहाँ पे उशंगाबाद, इटारजी किन्ने लोग आए थे मारने के लिए सर। मैं यहाँ खाना खा रही थी और पकड़ के मुझे बहुत मारा सर। मुझे कम से कम 40-50 किन्नर आए थे उशंगाबाद जिले से और थाने में गई, थाने में मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही सर। मेरी ट्रांसजेंडर जो पक्ष है, दो पक्षों के मध्य बधाई को लेके क्षेत्र के विवाद को लेके विवाद हो गया था घर का, जिसके संबंध में कुछ लोग आए थे, मतलब अनैतिक तरीके से यहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश करी थी, जिसे समझाइश दी गई। अगर कोई किसी प्रकार की शिकायत करता है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब चर्चा करेंगे कांकेर के, जहां एक अफसर के रुतबे ने सबको हैरान कर रख दिया। इस अधिकारी का मोबाइल ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान बकायदा चलाया गया, जलाशय को खाली करा दिया गया। मामले के तूल पकड़ने पर अधिकारी को सस्पेंड किया जा चुका है। गोताखोरों ने की तलाश, बात नहीं बनी तो पूरा का पूरा जलाशय कर दिया खाली। चार दिन तक चला रेस्क्यू अभियान और आखिरकार सफलता मिली। अधिकारी के गुम हुए मोबाइल का सफल रेस्क्यू कर लिया गया। जी हां, मोबाइल का। अब तक आपने इंसानों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान सुने होंगे, लेकिन कांकेर में एक मोबाइल के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये मोबाइल किसी आम आदमी का नहीं, एक अधिकारी का था। कोयली बेड़ा ब्लॉक के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास पिकनिक के लिए परलकोट जलाशय पहुंचे थे। यहां उनका महंगा मोबाइल पानी में गिर गया, जिसे ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। इसके लिए जलाशय खाली करा दिया गया, मोबाइल के लिए पानी बेकार में बहा दिया गया। ये मामला है रविवार को, जब मोबाइल गिरा तो रविवार और सोमवार दो दिन ऐसी लोकल लड़के लोग वहाँ पे तैर के अंदर जाके खोजने की कोशिश किए। चूँकि वो 10 फीट गहरा था इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो उनके द्वारा कहा गया कि अगर 2-3 फीट पानी ये टंकी का खाली किया जा सकता है तो मोबाइल निकल जाएगा। तो उन्हीं के कहे अनुसार वहाँ से 2-3 फीट पानी खाली किया जा सकता है करके मैं SDO साहब से भी इस बारे में चर्चा किया। SDO साहब बोले कि ठीक है, 4-5 फीट पानी आप खाली कर लो, क्योंकि वो नॉन यूजेबल पानी है, वो जलाशय वाला पानी नहीं था, ओवर होके जो आके टंक में पड़ा हुआ था पानी वो उस ओ वाला पानी था। तो वहाँ से फिर लगभग 3-1 फीट में पानी मशीन के द्वारा निकाल लिया, जो डीजल से संचालित था, और मेरा मोबाइल वहाँ से फिर मुझे मिल गया। मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं था, 2 महीने पहले लिया था बोल के थोड़ा सा अखर रहा था कि चलो एक मोबाइल लिया हूँ नया और घूम गया है पानी के नीचे। हमको पता भी है कि कहाँ घूमा है, लोकेशन भी पता है, इसलिए उसको थोड़ा सा ढूंढने की मतलब वो किया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल में कुछ बहुत खुफिया जानकारी, ऐसा सिंपल सा नौकरी करता हूँ, ऐसा कोई जानकारी उसमें ऐसा नहीं। विभागीय जानकारी जो रहता है, जो डे टू डे हमारा व्हाट्सएप में जो मैसेजेस वगैरह रहते हैं, वही सब था।